मध्य प्रदेश की खरगोन जिले की गुगावा विकासखंड के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा के कर्मचारियों ने आज हड़ताल के 10वें रोज शनिवार भगवान बजरंगबली की बैठक आयोजित कर प्रदेश की सरकार व उनके मुखिया को सद्बुद्धि के लिए भगवान के समक्ष सुंदरकांड का पाठ किया। लाइव तस्वीरों के लिए आपको सीधे ले चलते हैं हमारे संवाददाता महेंद्र गुप्ता के पास। आप भी देखिए संयुक्त मोर्चा का ये अनोखा प्रदर्शन। 10 दिनों से चल रही हड़ताल संयुक्त मोर्चे की मध्य प्रदेश में, आज हम जानने के लिए आए हैं संयुक्त मोर्चे के हड़ताल के पंडाल में, और हड़ताल कर्मियों से ही जानेंगे कि क्या मांगे उनकी और वो क्या चाहते हैं। हड़ताल को लेकर हम आज मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के गोगांव में हड़ताल कर्मियों के पंडाल में पहुंच रहे हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी क्या मांगे और किस तरीके से वो मांगे रहेगी। आइए देखते हैं हड़ताल कर्मियों से। सर, ये बताइए कि आज पिछले 10 दिनों से आपकी हड़ताल चल रही है, आपकी हड़ताल अगर सरकार नहीं मानती है तो आप अगला कदम क्या उठाएंगे? देखिए, पिछले 10 दिनों से हमारी ये हड़ताल चल रही है और संयुक्त मोर्चे के अंतर्गत हम लोग ये हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश में 70,000 कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हैं। और आज हमारे इस पंडाल में हमने यहाँ पर सुंदरकांड का आयोजन किया है। आज श्रावण महीना चल रहा है और शनिवार का दिन भी है, तो हमारा ये प्रयास है कि सुंदरकांड के माध्यम से सरकार को सद्बुद्धि मिले ताकि वो हमारी मांगों को मान ले। अगर आपकी मांगे सरकार नहीं मानती है तो अगला कदम आपका क्या रहेगा और किस प्रकार से रहेगा? सरकार ने हमारी मांगे जो है पिछले 10 दिनों के अंतर्गत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, इसलिए हम लोग प्रतिदिन कोई ना कोई गतिविधि कर रहे हैं। इसी क्रम में अगर अभी भी हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है, हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, तो अगले कड़ी में हमारा कार्यक्रम यह है कि हम सोमवार के दिन मटकापुर कार्यक्रम रखने वाले हैं, जिसके माध्यम से सरकार को संदेश जा सके। पूरे मध्य प्रदेश में संयुक्त मोर्चा संगठन के कितने कर्मचारी होंगे जो हड़ताल में बैठे हैं? संयुक्त मोर्चे के अंतर्गत 17 घटक सम्मिलित हैं, 17 संगठनों का समर्थन प्राप्त है, जिसके माध्यम से लगभग 70,000 कर्मचारी पूरे प्रदेश में हड़ताल पर बैठे हैं। राजेश कुशवाहा से हम जानना चाहेंगे कि पिछले 10 दिनों से ये संयुक्त मोर्चे के साथ में बैठे हड़ताल पर और इनके हड़ताल प्रदेश सरकार नहीं मान रही, तो इनका अगला कदम क्या रहेगा और कितने लोग हड़ताल पर आज तारीख तक बैठे हैं? आइए जानते हैं संगठन के। आज मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा, अधिकारी कर्मचारी का संयुक्त मोर्चा, जिसमें पंचायत एवं ग्रामीण विभाग के 17 संयुक्त संगठक दल जो हमारे हैं वो सभी कर्मचारियों का है, और उसमें हमारी मांगे विगत 10 दिन से लगातार सरकार को 12 जुलाई से हमने जो ज्ञापन सौंपे थे, आवेदन निवेदन किए थे, तो उसके पश्चात भी मंत्री महोदय जी एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को अवगत कराया गया, उसके पश्चात अभी तक हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है, तथा हम उसी पर और उनके द्वारा सम्मानजनक बात की जा रही है, परंतु हमारी ये मांग है उनसे कि हमारी मांगों पर संतोषपूर्ण जवाब दिया जाए, उसके पश्चात ही हमारी हड़ताल समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी, और उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। अगर आपकी हड़ताल लंबी चलती है तो आप किस प्रकार से अगले प्रयत्न करेंगे? प्रदेश से जैसे जैसे हमें निर्देश मिलते जाएंगे उसी प्रकार से हमारी आंदोलन उग्र रूप से आंदोलन जारी रहेगा। आप कितने लोग हड़ताल पर अभी तक मध्य प्रदेश में बैठे हैं? 70,000 लगभग कर्मचारी हमारे अधिकारी पूरे संयुक्त मोर्चा के बैठे हुए हैं। क्या नाम है और किस पते हैं? राजेश कुशवाहा, पंचायत संगठन संभागीय अध्यक्ष इंदौर। अभी हमने बात की है, उन्होंने बताया है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो उग्र आंदोलन भी आगे किया जाएगा। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के गोगांव से कैमरामैन सौरभ के साथ ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए महेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खरगोन जिले के गुगावा विकासखंड से ग्लोबल इंडिया टीवी के कैमरामैन सौरभ के साथ ग्लोबल इंडिया टीवी के खरगोन से महेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।